और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईरान के शाहिद ड्रोन से अमेरिका भी परेशान हो गया है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि अमेरिका शाहिद ड्रोन की वजह से अपनी नीति को बदलने पर मजबूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नजर ईरान के हथियारों के जखीरे के साथ साथ उसकी तकनीक पर भी है, क्योंकि देखिए समझिए, ईरान के शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है, जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नजर नहीं आ रहा। युद्ध के मैदान में अमेरिका यूक्रेन सा, ईरान की ड्रोन ने की तबाही की बरसा। ईरान के ड्रोन से घबराया अमेरिका। युद्ध के आगाज के साथ ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता रहा है, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका में भी ठन गए। अमेरिका लगातार रूस को इस बात के लिए चेतावनी देता रहा है कि अगर उसने यूक्रेन की तबाही के सपने देखने बंद नहीं किए तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यूक्रेन भी अमेरिका का साथ मिलने की वजह से रूस की वार पर माकूल पलटवार कर रहा है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने कीव में जो तबाही मचाई थी, उससे हर किसी की रूह कांप गई थी, जिसमें ईरान की किलिंग मशीन कहे जाने वाले शाहिद ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। कीव पर एक के बाद एक शाहिद ड्रोन से हमला किया गया था, जिसने कीव का नक्शा बदल कर रख दिया था। अमेरिका ईरान को चेतावनी देता रहा, तो वहीं पहले ना नुकर करने वाले ईरान ने भी मान लिया है कि उसने ही रूस को अपने शाहिद ड्रोन की सप्लाई की है, और इसके साथ ही शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप रूस के खेमे में पहुंच गई, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को भी अब तक ईरान की इस काबिलियत की खबर नहीं थी, और वो ये सोच भी नहीं रहे थे कि ईरान के पास इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन हो सकते हैं। ईरान की अदावत इसराइल और सऊदी अरब से पुरानी है, इसलिए वो हमेशा इन देशों से जंग के लिए तैयार रहता है। अमेरिका का मानना है कि अपने लिए बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने के बाद ही ईरान ने पुतिन के साथ सौदा किया, मतलब ये कि अपनी सुरक्षा करने के लिए भी उसके पास बहुत बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन मौजूद है। ड्रोन बनाने की तकनीक कुछ दशकों पहले तक सिर्फ अमेरिका के पास थी, हालांकि जंग में ड्रोन का पहला इस्तेमाल इसराइल ने किया था। फिलहाल चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई बड़े देश ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये बात अमेरिका के होश उड़ा रही है। वह ईरान के ड्रोन ने अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। माना जा रहा है ईरान के खिलाफ कोई भी जंग छेड़ने से पहले अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में शाहिद सीरीज के ड्रोन की कामयाबी है। जिस तरह शाहिद ड्रोन यूक्रेन में कामयाब हुए, ईरान की तरफ अमेरिका का नजरिया ही बदल गया। अब अमेरिका ईरान के बाकी हथियारों को भी परखना चाहता है। इसके अलावा उन सभी कारखानों का पता लगाने की योजना है जहां ईरान में हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि ईरान की तकनीक से जुड़े वैज्ञानिकों पर भी नजर रखी जा रही है। इसराइल के लिए भी ये जानकारियां कम अहम नहीं है। इसराइल मान रहा है कि परमाणु बम बनाने पर भी ईरान में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात इसराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली है, मतलब ये कि यूक्रेन की जंग का असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि पुतिन के हथियार अमेरिका के दिमाग पर भी वार कर रहे हैं। युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन के MI-24 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के इलाके में यूक्रेन ने जमकर बमबारी भी की है। तो वॉर जोन में हालात दिन पर दिन ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। रूस पहले इस बात की चेतावनी कई बार जारी कर चुका है, और उसके कयामत बरपाने वाले हथियार किसी भी वक्त दुश्मन के ठिकाने को टारगेट कर सकते हैं। जवाब में अमेरिका नेवी ने भी ग्लोबल स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के इस प्लान के तहत अब वो ऐसी मिसाइलों को एक्टिव मोड में लाने वाला है जो हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की ताकत रखती है।
महासंग्राम को तैयार अमेरिका, दुश्मन को तबाह करने की तैयारी। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा परीक्षण, समंदर के रास्ते बड़े टारगेट का प्लान। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग दुनिया को यह मैसेज दे रही है कि किसी भी वक्त इस जंग का दायरा बढ़ सकता है, किसी भी वक्त ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। क्योंकि यूक्रेन के पलटवार से तिलमिलाए पुतिन अब अपनी वॉर फैक्ट्री के उस हथियार को एक्टिव करने जा रहे हैं जिसे पुतिन की सेना में कयामत के हथियार का दर्जा हासिल। सरमात 2 नाम की इस मिसाइल का रूस की सेना जल्द ही परीक्षण कर सकती है।